आप देख रहे हैं नटराज डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, भोजपुरी देवी गीत, बहुत ही बढ़िया गाना है। आप लोग देखिए और इनको कमेंट करके बताइए, और सबसे पहले आप दबंग म्यूजिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो घंटी है, ताकि सबसे पहले कोई भी इस तरह का जो नए नए सिंगर होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं पर गरीब हैं, पैसा नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं गा पाते हैं या अपना कैसेट नहीं बनवा पाते हैं दोस्तों। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पैसा नहीं है करके वो नहीं गा पा रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। वैसे ही ये अमित कुमार अकेला है और ये काम करते हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं, ये दर्जी हैं, लेकिन अच्छा कपड़ा सिलाई के साथ साथ बहुत अच्छा गाना भी गा रहे हैं। इनका पहला गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, आप लोग गाना सुनिए और बहुत सारा इनको प्यार आशीर्वाद दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, ताकि अमित कुमार अकेला उसको सुधार सके और अपने गायकी में और निखार सके। इनका पहला रिकॉर्डिंग है, पहली बार ये स्टूडियो में गा रहे हैं, फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई भी त्रुटि होगा, कोई भी गलती होगा, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। अब आइए इनका परिचय करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमित अकेला। और थोड़ा माइक पे आके बोलिए। अमित अकेला। अमित अकेला। यस। क्या करते हैं? सिलाई। सिलाई करते हैं? हाँ। का का सीखते हैं? लहंगा चोली वगैरह। वाह भैया, लहंगा लखनऊआ वाला बड़ा लफड़ा चल रहा है रितेश पांडे खेसारी लाल का, तो वो सीखते हैं कि नहीं लहंगा? हाँ सीखते हैं तो। वाह वाह, क्या बात है। क्या उम्र कितना है आपका? 18 साल। बताइए 18 वर्ष में अमित कुमार अकेला कितना मेहनत कर रहे हैं, आज एक अच्छा सिलाई मास्टर हैं, अच्छा सिलाई करते हैं, लहंगा चोली सीते, और क्या सीते हैं भाई? ब्लाउज वगैरह, मतलब यही सब जितना लेडीज का सिलाई होता है। ये लेडीज के सारे सिलाई करते हैं, बहुत अच्छा टेलर हैं। अब आइए इनका गाना सुनते हैं। कौन सा गाना गाएंगे? ललकी चुनरिया चमक दे। अच्छा, भक्ति गाना गाना है। यस ठीक है, चलिए आप गाइए, हम शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। बीच में एक डिले इफेक्ट रहता है ना, जैसे गाना आप सुना होंगे। हाँ। ललकी चुनरिया चमकदार, माई के ओढ़वले बानी, माई के ओढ़वले बानी, ललकी चुनरी, तो माई के ओढ़वले बानी जो एक इफेक्ट पड़ रहा है जो उतना दूर रुकना। अच्छा ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं और वो इफेक्ट हम बोलेंगे, उसके बाद आप गाइएगा। ठीक है? ठीक है, चालू करते हैं। ओके ठीक, तैयार रहिएगा। मकुट, हेलो, मकुट नहीं बाबू, मुकुट। सोभेला मुकुट लीलार, माई के ओढ़ पहनावले बानी,
सो भेला मुकुट लीलार माई के पहनावले बानी इस टाइप है। चलो इसको फिर से लेते हैं, ठीक है? अब याद रखो जो कैसे गाना है, ठीक है? भूलना मत। फिर आप गड़बड़ा दिए ना, एक बार गाए आप मुकुट लीला और दूसरी बार गा दिए मुकुट लीला। अच्छा ठीक है, एक ही बार गाना है। हाँ एक ही बार गाना है, ठीक है? ठीक, फिर से लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सभी दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई छोटे अमित कुमार अकेला के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि ये पहली बार गाना गा रहे हैं और कैसा गा रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा ताकि उसको ये सुधारेंगे और अपने गायकी को निखारेंगे। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे दबंग म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।